नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार को साइकिल रैली के जरिए आमजन को कोरोना से बचाव और फिट रहने का संदेश दिया। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आमजन को कोरोना की गंभीरता के प्रति जागरूक करने के लिए 21 जून से चलाए गए विशेष जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने साइकिल रैली के जरिए आमजन को जागरूक किया। रैली में प्रशासनिक अधिकारियों सहित जन प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। साइकिल रैली टाउन फोर्स स्कूल से रवाना हुई और जिला अस्पताल परिसर में रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर से महिला बाल विकास विभाग की ओर से फोर्स स्कूल और जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य है आमजन को संक्रमण की गंभीरता के प्रति जागरूक करना और फिट रहते हुए अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का संदेश देना था। 21 से 30 जून तक प्रदेश सरकार की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली में CEO परशुराम धानका ने जागरूकता अभियान की विस्तार से जानकारी दी तथा सभी को अभियान के सफल संचालन के लिए मोटिवेट किया। इस मौके पर SDM कपिल यादव, नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गुदारा, तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, अमित माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारीगण एवं मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। भावनात्मक रूप से लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, सामाजिक समारोह में ज्यादा भीड़ भाड़ या समारोह से बचे, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं है, कई बातें हैं जिनकी हमें पालना करते हैं तो हम आने वाले समय में इस कोरोना नामक महामारी से बचे रहेंगे। आज ये जो साइकिल रैली अपन ने निकाली है ये 21 जून से लेके 30 जून तक जो 10 दिन का कार्यक्रम है कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के लिए उसके तहत निकाली है। और मैं हमारे सभी साइकिल सवार प्रतिभागियों का धन्यवाद देता हूं, उनके हौसले की साथ देता हूं कि भरी बरसात में वो लोग यहां तक साइकिल चला के आए हैं। इसके साथ ही हमारे महिला बाल विकास चिकित्सा विभाग के साथ ही जो लगातार इन समाचारों को आम जन तक पहुंचा रहे हैं, इस जागरूकता का जो कार्यक्रम चल रहा है इसका उद्देश्य यही है कि आम जन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जाए। ये पोस्टर जो आपको दिए गए हैं इसमें लिखा है कि क्या करें क्या नहीं करें, जो चीजें मना की गई हैं वो बिल्कुल नहीं करें, जैसे कि थूके नहीं, दूरी बनाए रखें और जितने तरीके बताए हैं, हाथ नहीं मिलाए, गले नहीं मिले, और क्या करें सैनिटाइजेशन करें, हाथ बार बार धोते रहें और सब तरह की स्वच्छता की सावधानियां बरतें। इसी उद्देश्य से यह रैली रखी गई है कि आमजन इस चीज को देख के जागरूक हों। दूसरा इस रैली का उद्देश्य यह भी है कि हनुमानगढ़ जो अपने आप ये मूवमेंट चल रहा है कि आप जितने स्वस्थ रहेंगे बीमारी से उतना ही बचे रहेंगे। हमारी फिट हनुमानगढ़ की जो टीम है उसको भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि उस पूरी बरसात में वो लोग इतनी दूर चल के आए हैं। यहां जो भी सज्जन उपस्थित हैं उन सबका यह दायित्व है कि वो खुद भी बीमारी से बचे और दूसरों को भी इससे सावधान रहने के लिए समझाएं। आम जन के जीवन की रक्षा के लिए हाथ धोने, यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा, अपने आसपास के लोगों को इन सावधानियों को अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत मानवता की सेवा में अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करूंगा। कोरोना महामारी को लेकर जो राज्य सरकार द्वारा 10 दिन का अभियान चलाया जा रहा है 21 जून से लेकर 30 जून तक, उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम रोजाना हम लोग कर रहे हैं जन जागरण के लिए। आज आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये हमने पोर्ट स्कूल से लेकर और जिला अस्पताल तक साइकिल चला के सभी लोग आए हैं। हमारे फिट हनुमानगढ़ टीम के साथ ही जिला प्रशासन और हमारे मीडिया के साथ ही और महिला बाल विकास के सभी अधिकारी कर्मचारी और हमारे चिकित्सा विभाग के सभी ऑफिसर्स सभी लोग आए हैं और इसके तहत ये संदेश देने का प्रयास किया गया है
कि जितना आप फिट रहेंगे बीमारी से उतना ही बचे रहेंगे, इसके लिए इस रैली का आयोजन किया गया है और आम जन को जागरूक करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन हो इसमें। लास्ट में सब लोगों को शपथ दिलाई गई है कोरोना महामारी से बचने के लिए, मैं खुद भी बचूंगा और दूसरों को बचाने के लिए प्रयास करूंगा, इसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। सीटू और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने व बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। PIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाज लेने दी ललका, नहीं सहेंगे अत्याचार। सेंट्रल ट्रेड यूनियन व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर 8 माह के बिजली के बिल माफ करने व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान टाउन जंक्शन व आसपास के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आम आदमी की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। लॉकडाउन में तो छूट मिल गई, लेकिन आर्थिक स्थितियों में सुधार आने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करके खाने वाले श्रमिक लॉकडाउन के कारण काफी पिछड़ गए हैं। वर्तमान में निर्धन वर्ग के लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में बिजली के बिल और बढ़ रही महंगाई के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, वहीं भारत में तेल के दामों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। आर्थिक बदहाली और महंगाई के कारण किसान व मजदूर वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड की कंपनियों को करोड़ों रुपयों का कोष स्वीकृत किया है, लेकिन आम लोगों के बिजली के बिल माफ नहीं किए जा रहे। इसको लेकर सीटू एम माकपा का आंदोलन जारी रहेगा। 6 महीने बिजली के बिल माफ करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बिजली के बिल 6 महीने के माफ किए जाए, साथ ही साथ केंद्र सरकार जिसने शतक के करीब बिजली पेट्रोल और डीजल के रेट पहुंचा दिए हैं। मोदी जी कहते थे जब सत्ता में आए थे कि कांग्रेस सरकार डीजल और पेट्रोल के रेट बड़ी तेजी से बढ़ा रही है। लूट कहाँ है जनता की? इसमें अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदोगे तो उसमें आपको पेट्रोल मिलेगा 30 रुपए का, और जो 70 रुपए टैक्स के रूप में सेंट्रल सरकार राजस्थान की हमारी राज्य सरकार वेट के रूम में ले लेती है, दूसरी ये तमाम जो पंप के मालिक है उनका उसमें इंटरेस्ट है, पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनका उसमें मुनाफा है, वो सारा लगा के ये जो बड़ी लूट जनता की हो रही है पेट्रोलियम पदार्थ में, तो हमारी मांग है कि इस लूट को बंद किया जाए। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे राज्य स्तर पर बिजली के बिल माफ करने के लिए सरकार से जो मांग थी, उस सवाल को लेकर यहां विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया है। और हमारी डिमांड है कि कोरोना वायरस के चलते जो हालात हमारे देश की और प्रदेश की आम जनता की, गरीब की हुई, छोटे किसान की, मजदूर की हुई, और आज वो सक्षम नहीं है कि बिजली का भरकम वो बिल भर सके, इसलिए हमारी डिमांड है कि 8 माह तक के लिए बिजली के बिल सरकार को माफ करने चाहिए, क्योंकि सेंट्रल सरकार ने 90,000 करोड़ रुपया तमाम जो बिजली की ये लिमिटेड कंपनियां उनको हेल्प के रूप में दिया है, इसलिए बिजली के बिल माफ होने चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल जो सेंट्रल सरकार ने लगातार, आप देख रहे हो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार ये आज 90 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया, और कल के जो भाव थे दिल्ली के, मोदी सरकार ने एक चमत्कार किया कि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत बराबर कर दी, और इसमें सबसे बड़ी जो लूट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की लगातार कीमत कम हो रही है, उसकी कीमत अगर आज हम लगाएं तो पेट्रोल हमें पड़ना चाहिए 30 रुपए, लेकिन हम 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं जिसमें 30 रुपए का हमें पेट्रोल मिलता है, और 70 रुपए वो सेंट्रल सरकार का टैक्स, यहाँ राजस्थान सरकार का वेट और तमाम दूसरे टैक्सों के रूप में हम 70 रुपए सरकार को दे देते हैं। आम जनता की ये जो बड़ी लूट हो रही है पेट्रोल और डीजल पर, हमारी मांग है कि इस तमाम कीमतों को वापस लिया जाए और जनता को ये राहत दी जाए। जो प्रदर्शन पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, हमारा भी हनुमानगढ़ टाउन, जो मजदूर अभी सारे प्रदर्शन में हैं, हमारी यही है कि लॉकडाउन के चलते हुए
दो दो तीन महीने अंदर रहना पड़ा, लोगों को मजदूरी मिली नहीं, मजदूरी लॉकडाउन के वजह जा नहीं पाए। इसलिए हम सेंट्रल सरकार से और राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि ये बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। जैसे मेरा साथी बता के गया कि 70-70, 60-60 रुपए टैक्स के वसूले जा रहे हैं पेट्रोल पर, और रोज सुबह देखो पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। इसलिए आज का जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है कि ये बिल जो माफ़ किए जाएं, नहीं तो आने वाले आगे और भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रोग्राम बनाएगी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी आह्वान पर जो रोजाना अपने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसा आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ। और सबसे बुरी बात ये हुई कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया भाजपा सरकार से, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर पेट्रोल और डीजल के भाव उनके हाथ में नहीं है, तो क्या पूरे देश की सरकारी संपत्ति को बेचना ही उनके हाथ में है? ये सारा सिस्टम अडानी और अंबानी को जो कंपनियां पेट्रोल की दे रखी है, ये उनके मुनाफे के लिए है। अभी जिस दौर से देश गुजर, 1,00,000 करोड़ रुपए का हमारे प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, उसका जमीनी सतह पर कुछ भी नजर नहीं आया। और ऊपर से ये जनता को लूटने का काम, ये पहली बार हुआ है कि उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनको महंगाई डायन लगती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में अब महंगाई उनको बोझाई लगती है। अशोक गहलोत का हमने पुतला फूंका है। हमारी मांग है कि जल्दी इन जनता की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, 6 महीने के बिजली के बिल वापस लिए जाए और पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई जाए। इससे सीधा सीधा अंदाजा जा रहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से सरकार की जो जानवरों की नीतियां हैं, लगातार डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, उनको वापस, बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। और 6 महीने का लॉकडाउन के चलते हुए आम नागरिक, चाहे ऑटो रिक्शा, चाहे कोई मजदूर है, उसका 3 महीने से काम काज बंद है। और बिजली का बिल लगातार बिजली विभाग की तरफ से ऑनलाइन और घरों में भेजा जा रहा है, और कनेक्शन काटने की धमकियां दी जा रही है। हमारी मांग है कि 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। लॉकडाउन के चलते हुए जो मजदूर परिवार है, या कोई टेम्पू या रिक्शा चलाने वाले जो चालक हैं, उनके परिवार के घरों में राशन की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए बिजली का 6 महीने का बिल माफ किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शुक्रवार को जंक्शन स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जंक्शन में ANM प्रशिक्षण केंद्र में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं को कोरोना विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान छात्राओं ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता व नशे के कारण होने वाली हानियों को दर्शाते पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को CMHO डॉक्टर अरुण चमड़िया ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। CMHO डॉक्टर चमड़िया ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। यह एक तरफ लोगों में चेतना फैलाता है, वहीं दूसरी ओर नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों के उपचार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज इस नशा मुक्ति के अंदर, नशा मुक्ति दिवस पे आप लोगों ने जो पोस्टर प्रतियोगिता जो बनाए हैं, चित्र मैंने देखे, काफी अच्छे हैं। ये संदेश पूरे समाज में जाना चाहिए और अपने इस जिले के अंदर खासतौर से नशा मुक्ति, नशे की जो प्रवृत्ति है, नशे की प्रवृत्ति, यहाँ पे नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बन गया है, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग जाएंगे फील्ड में और जगह जगह अपनी सेवाएं देंगे, सब जगह मरीज और जिस तरह के सारे लोग समाज के हैं वो आपके संपर्क में आएंगे। जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है स्वास्थ्य विभाग की और खासतौर पर आप लोगों की, क्योंकि डायरेक्ट सब लोगों से टिकट में आ रहोगी बाद में नौकरी में आगे, और तो हमें समाज को, अपने परिसर को, अपने परिवार को, सबको नशा से मुक्त रखना है। मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, मैंने किसी प्रकार के उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा।
होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी सारी कोविड 19 की स्थितियों को देखते हुए भी, क्योंकि ये समाज के लिए भला अति आवश्यक है कि हम लोग नशे से दूर रहें और जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, राज्य सरकार का जो मूल उद्देश्य भी है नुरागिर निरोगी राजस्थान, उन उद्देश्यों की प्राप्ति और उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। और हमारी और आप सभी की ओर से हमारी अपील है आम जन को भी कि वो अधिक से अधिक इसके साथ जुड़े और नशे से दूर रहें और इस जिले को भी सर्वोत्तम स्तर पर लाएं, सब लोगों को निरोगी बनाएं। 26 जून को एक कार्यक्रम NMTC में रखा गया, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्राओं ने अच्छे से पोस्टर बनाए और उसके अंदर जो प्रेरणा करने वाले मिले उनको भी प्राइज दिया गया। साथ साथ में इस NMTC की छात्राएँ जो राज्य के अंदर और यहाँ अपने जो सभी स्तर पे उन्होंने अच्छे लिए हैं, जैसे 80% और एक छात्रा ने तो बल्कि स्टेट में भी 93% लिए हैं और प्रथम स्थान लिया था, उन सभी को आज श्रीमान तिलक लक्ष्मण भोजन ने आज उनको प्राइज देकर और दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम जो है अपने लोगों को कहने के प्रेरित करेंगे और ये बच्चियाँ भी और सभी मिलकर अपने सभी को प्रेरित करेंगे नशा नहीं लें और इसके विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से ये लगभग विदित भी हैं, सबको जानकारी भी है, तो उनके तो नशा नहीं करें ये थी। साथ साथ में क्योंकि NMTC छात्राएँ हैं, आगे जाके ये है जब फील्ड में और ये जब जाएंगी तो ये जागरूकता का इस तरह का संदेश देंगी कि नशा जो इनके विपरीत प्रभाव है इनको करना नहीं चाहिए। जानकारी देकर जब बात कही जाती है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रभावित होती है। टाउन स्थित फूडग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित सचिव मनीष धानिया का नागरिक अभिनंदन किया गया। टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में व्यापारियों द्वारा आज हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नव निर्वाचित सचिव मनीष धारणिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला वेटलिफ्टिंग संघ के सचिव राजकुमार अग्रवाल ने की। विशिष्ट अतिथि अरोड़वन सभा के अध्यक्ष अनिल धुड़िया थे। इस मौके पर नागरिकों ने मनीष धारणिया का माला पहनाकर तथा दोशाला उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य वक्ता नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौर ने बताया कि मनीष धारणिया के नेतृत्व में क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अनेकों अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मनीष धारणिया के मार्गदर्शन में हनुमानगढ़ में क्रिकेट में रुचि रखने वाले होनहार युवाओं को बड़े मैदानों पर खेलने का मौका मिलेगा। पार्षद महादेव भार्गव ने हनुमानगढ़ टाउन में क्रिकेट मैदान की स्थापना करने पर जोर दिया। इस मौके पर कमलेश शर्मा, प्यारे लाल काटपाल, गगनदीप, अमित मदान, अतुल धींगड़ा, अर्चित अग्रवाल, बलराम सिंह, भीम सिंह, शेर सिंह, सौरभ गर्ग, नथु सिंह, संजय सराफ, दर्शन कुमार, जगदीप राठौर, राम कुमार, विनीत बिश्नोई, मुकेश भार्गव, सादा सिंह खोसा, मानविंदर सिंह सहित अन्य लोग मजबूत रहना है, लोगों को समझाना है। आर्थिक रूप से जो आयात निर्यात चल रहा है उसमें चीनी सामान का उपयोग नया नहीं करें। जैसा कि विदित है, आज जिन शिक्षकों के सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वह हमारे शहर का गौरव है, हमारे शहर का मान है, हमारे शहर के मुकुट है और हमें उन पर गर्व है। आज अगर हम उसकी पहचान है, उसका चार को निकालने वाले ही दो शख्सियत है, एक तो मनीष जी धारणिया और गोपाल जी बहुत अच्छा है। मैं 2021 में हनुमानगढ़ आया था और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। ये जैसे अभी मुकेश वास्तव सब बता रहे थे कि ये जुड़े हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ये चीज मनीष का सब पहले कर चुके हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि मनीष भाई साहब जिला जूडो संघ के संस्थापक हैं। मैंने जी से पूछा कि आप प्री मंदोरी साइड में भी आते हो, उन्होंने तुलसीदास जी का एक श्लोक आज से 15 साल पहले बोले मुझे
बताया, तुलसी वहां न जाइयो जहां जन्म भूमि को उठाओ, गुण अवगुण चीले नहीं लेख पुराणों का। तो आप जब घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, शहर के अंदर तो वही पुराना नाम लेते हैं, वही जब निकल पाएंगे उनका तो वही चीज दिखती है। तो यदि आपको घर की घर की जो चीज योगड़ों बाहर गाँव से तो घर की मुर्गी दाल बढ़ रही, कई बातें शुरू से कहते हैं कि बाहर आपको सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, सम्मान यदि आपके शहर में मिले तो बड़ी बात है। तो आज भी जोधपुर में इलेक्शनों में जाना होता है तो महामंदिर का इलाका जो है अशोक गहलोत जी का जन्म स्थान है, तो पूरा राजस्थान गहलोत साहब कहते हैं वहां अशोक कहने वाले लोग। आज फुटगंज हॉल में या हनुमानगढ़ के लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। हमारे मनीष जी दानिया जो अपनी पार्टी के उच्च पदों पर रहे, उन्होंने अब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बने, शहर के और खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। तो सब लोगों का उत्साह बना, उनका मान सम्मान होना चाहिए। हमारे एक राजीव जी है जो रणजी में राजस्थान के एक नंबर के एम्पायर हैं, उनका और हनुमानगढ़ की गौरव लाडी बेटी निशा शर्मा जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल की प्लेयर रही है और रेलवे में विशेष खिलाड़ी के तौर पे टीसी की बॉम्बे में सर्विस कर रही है, इनका मान सम्मान किया गया। और बाकी विकास जी है, कोच वगैरह आए थे, उनका भी मान सम्मान किया गया। विशेष यही था कि प्रतिभाओं का मान सम्मान हो, मान सम्मान किया। आज क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव मनीष दानिया खेल प्रतिभा उषा शर्मा के सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया, उससे खेल जगत में एक नया उत्साह होता है। हनुमानगढ़ के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इससे पूर्व चाहे हॉकी है वहाँ भी इंटरनेशनल प्लेयर हमें मिली है, चाहे फुटबॉल है उन प्रतिभाओं की वजह से, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे जूडो है, इससे बच्चों की जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सरकारी सेवाओं के अंदर बड़ा मौका मिला है। तो इससे अच्छा माहौल बनेगा खेल के प्रति, और आशा करते हैं कि भी शहर के अंदर नए संगठन से नया एक उत्साह बनेगा, लोगों का खेल के प्रति उत्साह होगा, तो बच्चों का भविष्य उज्जवल इसमें होगा। टाउन स्थित नेहरू बाल उद्यान पार्क में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन पार्क में शहीदों को सलाम दिवस मनाया गया। इस मौके पर हाल ही में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सैनिकों की शहादत के सम्मान में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सेवा दल जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गोंद, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बराड़, पीसीसी महासचिव मनीष धारणिया, कृष्ण नेहरा, ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंदड़ा, उदयपाल सारस्वत, प्रदीप सोनी, मनोज बरसीवाल, मनोज विनोचा, महबूब अली, अकरम खान, सौरभ राठौड़, अश्विनी पारिक, विजय सिडाना, विनोद माठिया, विनोद गुप्ता, रमेश दत्ता, मजीद खान, कृष्ण झाजड़िया, राम कुमार सेतिया सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ नेहरू चिल्ड्रन स्कूल में एकत्रित हुए हैं शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे कि सभी को विदित है जो चीन पर जो चीन ने दुस्साहस किया है, हिंदुस्तान की सीमाओं के उल्लंघन किया है, एलएसी पर उन्होंने घुसपैठ करी है, उस घुसपैठ का सामना करते हुए चीन से जो भिड़ गए हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। हम सब कांग्रेस जन आज ही नहीं, हमेशा, पहले भी, आगे भी, हमेशा हम सेना के साथ हैं। जो हमारे जज्बात हैं वो हम बताना चाहते हैं सभी को कि कोई भी देश हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमारी जो सीमाएं हैं वो सेक्रेड है, उससे हमें कोई समझौता नहीं कर सकते। और जो हमारे वहां पर वीर सैनिक खड़े हैं हम उनके साथ हैं डटकर, और हमारे को भी कोई भी अगर आदेश होगा कोई किसी तरह की मदद करने के लिए कुछ भी, तो हम सब तैयार हैं और हम एकजुट हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा नेहरू बाल उद्यान पार्क
पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा के सामने और शहीदों की प्रतिमा के सामने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और राजस्थान प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार आज 26 जून को ये कार्यक्रम शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाने के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। उनके अनुरूप जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष केसी बिश्नोई के आदेशानुसार आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और शहीदों को सलामी दी जा रही है। और इस कार्यक्रम में सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति और पार्षदगण और संगठन के पदाधिकारी और अग्रणी संगठनों के जिला अध्यक्ष आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और अभी वक्त अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूप रेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े? महामारी अभी फैली हुई है सरपंच जी। टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के क्वारंटाइन सेंटर से बिना किसी को सूचित किए गायब होने वाले 4 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जंक्शन के किसान भवन में क्वारंटाइन सेंटर से बिना सूचना गायब होने वाले 4 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नियमों की उल्लंघना के आरोप में 4 के खिलाफ महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में BCMHO डॉक्टर ज्योति ढींगड़ा ने परिवाद दिया था। गुरुवार देर रात किसान भवन के क्वारंटाइन सेंटर से 4 बिना किसी को सूचित किए फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि 4 कोरोना संदिग्ध से पूछताछ में खाने को लेकर बात सामने आ रही है। 4 बाजार से खाने पीने का सामान लेने गए थे और काफी देर बाद वापस क्वारंटाइन सेंटर लौट आए। उल्लेखनीय है कि 4 दिल्ली से लौटे थे, इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन आइसोलेशन की गंभीरता को अनदेखा करते हुए 4 अचानक सेंटर से गायब हो गए थे। किसान भवन और मांगर जंक्शन में 4 लोग क्वारंटाइन थे जो कल किसी समय बाहर थे, इनको वापस पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार को सिंचाई और पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोहर और भादरा में पानी चोरी के मुद्दे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
जिले के नोहर और भादरा कस्बे में नहरी पानी की चोरी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरी पानी चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नोहर और भादरा में नहरी पानी चोरी रोकने को लेकर कलेक्टर ने शुक्रवार को सिंचाई और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर समीक्षा की। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि नोहर और भादरा में नहरी पानी चोरी के खिलाफ नकेल कसने में कोई भी विभाग कोताही न बरते। संबंधित उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिस दिन नहरी पानी की चोरी पकड़ी जाए उसी दिन सिंचाई विभाग के अभियंता के साथ रेवेन्यू का पटवारी जाकर उसकी रिपोर्ट बनाए और उसी दिन वह रिपोर्ट सिंचाई विभाग को प्रस्तुत करे ताकि चोरों के खिलाफ जल्द से जल्द विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया जा सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि नहरी पानी चोरी को लेकर जो ट्रैक्टर नहर के पटड़ों पर पकड़े जाते हैं उनकी भी तुरंत जब्ती की कार्रवाई जाकर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाए। इसके साथ साथ पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत चोरों के साथ पाई गई तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में एसपी श्रीमती राशि डोगरा, एसडीएम कपिल यादव, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल, एससी सुभाष चंद्र बेदी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, एससी शिवचरण डेगर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। IMFL एवं बियर की डिमांड अनुसार पूर्ति करवाने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेकेदारों ने बताया कि RSBC डिपो में जीन, वोदका व विस्की के काफी ब्रांड्स उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि देसी मदिरा कंपोजिट व नॉन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लिए मासिक गारंटी की 30% RML की पूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार देसी मदिरा कंपोजिट व नॉन कंपोजिट मदिरा दुकानों द्वारा 30% RML की पूर्ति करने के कारण उनके द्वारा की जाने वाली RML की बिक्री की वजह से रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों की गारंटी पूर्ति नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार रिटेलर्स दुकानों पर IMFL एवं बियर के विक्रय पर 22% व 24% मार्जिन होना बताया गया था, लेकिन मार्जिन IMFL पर 10.5% एवं बियर पर 11.5% ही मिल रहा है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि इन सब समस्याओं के चलते उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते 2.5 महीने दुकानें पूर्णता बंद रही। ऐसे में शराब ठेकेदारों ने 1 अप्रैल से 3 मई की लाइसेंस फीस में छूट प्रदान करने सहित अन्य समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की है। शराब ठेकेदारों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमें जो गारंटी पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है उसमें हमें दिक्कतें आ रही है। एक तो खुदा माल नहीं है गोदाम के अंदर जो ब्रांड हमें चाहिए चीप रेंज वगैरह। दूसरा सस्ता ब्रांड है शराब का, ये गवर्नमेंट ने देसी के अंदर भी दे दी है जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। और हम ये चाह रहे हैं जैसे वो 35% गारंटी राजस्थान सरकार ने इनको दी है देसी वालों को, तो वो इसकी जितनी पूर्ति कर रहे हैं उसका नुकसान अंग्रेजी शराब को हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं हमें इसका कोई ना कोई समाधान किया जाए, या तो हमारी गारंटी कम की जाए या उसका किसी न किसी तरह से निस्तारण किया जाए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब है हमारी उपलब्ध कराई जाए। जब शराब उपलब्ध ही नहीं है तो हम कहाँ से उठाकर इसकी गारंटी पूर्ति करें। इसीलिए हम एक्साइज विभाग के पास आए भी इसके अंदर हमारी मदद करें, जो इसको समय से इस गारंटी को उठा सकें, क्योंकि बिक्री बहुत कम है। 2-2 घंटे पहले दुकानें बंद हुई हैं, आधे समय दुकानें खुली नहीं हैं। जो समय का अभाव हमारे पास रहा और उसकी वजह से जो बिक्री शराब ठेकेदारों की कम हुई है उसकी पूर्ति तो किसी तरह से हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा सरकार से विभाग से नम्र निवेदन है ये जो हमारी गारंटी है इसको कम किया जाए। उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इस हालात में कोई भी शराब ठेकेदार शराब की दुकान को नहीं चला पाएगा, उसका संचालन सही तरीके से नहीं कर पाएगा, जिसका आने वाले समय में सरकार को आम समाज को भी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आज सबको पता है कोरोना जैसी महामारी के अंदर शराब और 2-3 जो दायरे हैं इन्हीं की से सारी इनकी पूर्ति हो रही है, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो दिक्कत आएगी। समय के अभाव के कारण हमें भी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण आमजन के साथ साथ पंप संचालक भी परेशान है। पंप संचालकों ने तेल पर लगने वाले टैक्स की दरों को घटाने की मांग की है।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 20वें दिन लगातार इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा और डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। 7 जून से पेट्रोलियम कंपनियों ने आज शुक्रवार तक लगातार 20 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में पेट्रोल के दाम 87.20 रूपए प्रति लीटर पहुँच गए हैं। इससे पहले जयपुर में आखिरी बार 26 जून को पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई थी। पेट्रोल की कीमतों में राज्य सरकार के टैक्स भी शामिल हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तेल के दाम घट रहे हैं, वहीं देश भर में बढ़ रही तेल की कीमतों के कारण जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तेल की कीमतों में वेट की दर को बढ़ा दिया है, ऐसे में प्रत्येक वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है जी, तेल महंगा होने के कारण कुछ ज्यादा प्रभाव पे खड़ा, इतना कोरोना की वजह मार पी खड़ी है, काम काज कोई है नहीं गा, कोई भी है बहुत दिक्कत होती है। करते हैं लेबर वाला माड़ा मोटा कोई जिम्मेदार रह गया, बहुत फर्क है जी, फसलों का रेट ही नहीं गा, भाई तेल खर्चा बहुत पी जाना महंगा, हाँ जी रेट घट हो गए, बस पेट्रोल रेट घट हो जी, लेबर का कम कर रहे हैं, तेल दी तेल वध रेट चढ़ी जाता सस्ता डीजल हो जाए पेट्रोल से, तो पेट्रोल डीजल के दाम सर डेली बढ़ रहे हैं, कभी 15 पैसे कभी 65 पैसे 60 पैसे 65 पैसे बढ़ रहे हैं, आज लगभग 17 पैसे 15 पैसे बढ़ाए पेट्रोल दोनों, समस्या तो वही ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा पूंजी खर्च हो रही है और कस्टमर बहुत परेशान है, इससे कम डलवा रहे हैं डीजल पेट्रोल कम डलवा रहे हैं क्योंकि इनकी जेब पर बजरा प्रभाव पड़ टिकरी भी तो डाउन होगी सर, फिर यही मांग है कि वेट कम किया जाए, बहुत फर्क है हरियाणा पंजाब के अंदर अपने 10 रुपये का डिफरेंस है पर लीटर पर, से हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो डीजल पेट्रोल पम्प है वो बड़े प्रभावित हैं और ये सरकार से यही मांग है कि हरियाणा के बराबर वेट किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।